2024 के मोस्ट एंटीसिपेटेड एनिमे में से एक, जिसका नाम है काइजू नंबर 8 का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसको तुम ऑफिशियली जापानीज, इंग्लिश और हिंदी डब के अंदर क्रंची रोल में देख सकते हो। और अगर तुम चाहो तो मेरे दूसरे चैनल के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे दोनों ही चैनल की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तुम लोग वीडियो को देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो बात करते हैं कि काइजू नंबर 8 आखिर ये एनिमे इतना हाइपर क्यों है, और इसका जवाब तुमको जल्दी ही मिल जाएगा। इसकी मांगा के अंदर लगभग 150 चैप्टर हैं, जो कि बिल्कुल पीक पर चल रही है। और अगर तुम लोग मांगा रीड करना चाहते हो तो ऑफिशियल तौर पर मांगा प्लस में बिल्कुल फ्री में इसे रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि काइजू नंबर 8 के अंदर आखिर है क्या। तो काइजू नंबर 8, जिसका मतलब होता है कि मॉन्स्टर नंबर 8, ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर गॉडज़िला की तरह मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें काइजू कहकर बुलाया जाता है। और इन सभी से लड़ाई करने के लिए जापान की डिफेंस फोर्स अपनी जान को खतरे में डालकर सभी सिविलियंस की जान बचाती है। जैसे ही जापान की डिफेंस फोर्स किसी काइजू को खत्म कर देती है, तो उसके बाद स्वीपर्स यानी कि प्रोफेशनल काइजू क्लीनर्स वहां पर आकर पूरे एरिया की साफ सफाई करते हैं। और उन सब के साथ मिलकर हमारा मेन कैरेक्टर काफका भी क्लीनर का काम करता है, जो कि पहले डिफेंस फोर्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन टेस्ट में फेल होने की वजह से उसे क्लीनर का काम करना पड़ता है। काफका की जिंदगी ऐसे ही बोरियत में चल रही थी, लेकिन एक दिन काइजू के हमले की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जहां पर उसे एक छोटा काइजू टकरा जाता है जो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे कि काफका खुद काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। काफका की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह सबसे पावरफुल काइजू में से एक में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर सभी डिफेंस फोर्स काफका के पीछे पड़ जाते हैं, जिस चक्कर में काफका को वहां से भागना पड़ता है, जिसकी आगे की स्टोरी तुमको एपिसोड 2 के अंदर पता चलेगी। और इसके लिए तुम्हें वीकली हर एक एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। इस एनिमे के अंदर लगभग 12 एपिसोड होने वाले हैं। और बाकी तुम लोग कमेंट करो काइजू नंबर 8 को लेकर, अगर तुम्हारे कोई सवाल है तो उन सभी सवालों के जवाब मैं शॉर्ट्स में वीडियो डालकर देता रहूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।